Okay, so question number 3 is, what is the length of the color tape required to stick on the sides of a rectangular scenery? The length of the scenery is 20 centimeters and breadth is 12 centimeters. एक सीनरी है, सीनरी आप लोगों के ज़्यादातर घरों में होगी सीनरी, जिसकी लेंथ है 20 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ है 12 सेंटीमीटर. इसके चारों तरफ आपको एक कलर्ड टेप चिपकाना है, राइट? इस सीनरी के चारों तरफ आपको एक कलर टेप चिपकाना है. सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कलर टेप रिक्वायर्ड? अब आपको ये बताना है कि उस कलर टेप की जो पूरी लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए, मतलब आपको कितना टेप चाहिए इस सीनरी को कवर करने के लिए, उसके बाउंड्रीज को कवर करने के लिए कितना उसको कलर वाला टेप चाहिए. तो जैसे कहते हैं, अगर आपको कलर टेप यहाँ बाउंड्रीज पर लगाना है तो बाउंड्री की लेंथ आपको पता होनी चाहिए, राइट? और बाउंड्री की लेंथ को हम क्या बोलते हैं? पेरीमीटर बोलते हैं. मीन्स आपको निकालना क्या है, इस रेक्टेंगुलर जो सीनरी आपको दी गई है इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पर आपको रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है. तो आप लिख सकते हैं रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ कलर्ड टेप कैसे पता चलेगी हमें रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ कलर टेप कैसे पता चलेगा? ये है आपका इक्वल टू पेरीमीटर. पेरीमीटर किसका निकालना है? वो पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर. आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा कि रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द कलर टेप आप कैसे निकालेंगे. आपको ये निकालना है, रिक्वायर्ड लेंथ तब मिलेगी जब आप इसका पेरीमीटर निकालेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर, ये इसके इक्वल है. तो अब आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा किसका, पेरीमीटर का. सो पेरीमीटर हम कैसे निकालेंगे? तो निकालेंगे 2 × L + B से. 2 लेंथ कितनी दी है आपको? 20 सेंटीमीटर्स. एंड ब्रेथ कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर्स. ऐड ऑन कर दीजिए दोनों को. सो 20 + 12 = 32 एंड दिस इज 64 सेंटीमीटर, राइट? आपको जो टेप चाहिए उस टेप की जो लेंथ है वो 64 सेंटीमीटर होनी चाहिए. 20 + 12 = 32 32 + 20 = 52 52 + 12 = 64 तो आपको कितना टोटल टेप चाहिए इस सीनरी के चारों तरफ लगाने के लिए? 64 सेंटीमीटर्स.